है क्या? धर्म का राजा ब्रह्मा बाबा तुम बैठी हुए, धारणाओं का राजा ब्रह्मा बाबा। गायन शरीर का होता है? गायन योग शरीर जड़ है कि चैतन्य है? अरे गायन आत्मा का होता है कि शरीर जड़ शरीर का गायन होगा? आत्मा जो कर्म करती है, अच्छे कर्म करती है तो अच्छा गायन होता है। ब्रह्मा बाबा का शरीर सूक्ष्म शरीर नहीं है? सूक्ष्म शरीर तो स्थूल शरीर के अंदर भी होता है। सूक्ष्म शरीर के बगैर तो काम ही नहीं चल सकता है। तो क्या हुआ? गायन आत्मा का होता है कि शरीर का होता है? कर्म करने वाली कौन है? अच्छे कर्म करेगी तो महिमा होगी, बुरे कर्म करती है तो महिमा तो हो नहीं सकती, ग्लानी होगी। और बाबा अभी मुझे हद के माउंट आबू और बेहद के माउंट आबू कंपिल में नहीं जाना है, अर्थात सिर्फ मन बुद्धि से सरेंडर होना है, क्योंकि मुरली में आया है बच्चा कब बाप की शरण नहीं पड़ता है। बच्चे तो मालिक होते हैं, तुम बच्चे बाप की शरण नहीं पड़ते हो। बाप ने तुमको अपना बनाया है तो ये बात साफ है कि सरेंडर होने वाले बाप के सूर्यवंशी बच्चे नहीं है। बताओ सरेंडर होने में फायदा है या फायदा नहीं है, नुकसान है? है फायदा है। सरेंडर होने वाले तो बाप के बच्चे नहीं होते हैं। बच्चा कब बाप की शरण पड़ता है? क्या पॉइंट को उठाने वाला भूल गया कि सारी दुनिया में जितने भी मनुष्य मात्र हैं वो सब रावण के बच्चे हैं या भगवान के बच्चे हैं? किसके बच्चे हैं? सब रावण के बच्चे हैं, बाप के बच्चे हैं ही कहां। बाप आते हैं तो शूद्र से बदल करके ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण बच्चे नंबर बार बच्चे बनते हैं। पहले सूर्यवंश होता है इस दुनिया में क्या है? दुनिया में तो सूर्यवंशी होते ही नहीं है। बाप आकर के शूद्रवंशी को बदल कर क्या बनाते हैं? सूर्यवंशी बच्चे बनाते हैं। तब तो बोला है जो सरेंडर होने वाले हैं वो राजा ही लेते हैं। तन मन धन साफ तेरा, तन से भी सरेंडर है, मन से भी सरेंडर है, धन से भी सरेंडर, समय संपर्क संबंधियों से भी सरेंडर, सब कुछ अर्पण करते हैं तो बाप उन्हें सब कुछ दे देते हैं। सर को अंडर ही नहीं करेंगे,
सर में क्या है? मन बुद्धि है। मन बुद्धि को बाप के अंडर में ही अगर नहीं चलाया तो मनमत पर चलेंगे क्या? मनुष्यों के अंडर में चलेंगे क्या? और मनुष्यों के अंडर में चलेंगे या मनमत पर चलेंगे तो राजाई के हकदार बनेंगे क्या? राजाई करना तो बाप ही सिखाते हैं, दुनिया में तो सब अधीन बनाते हैं, बाप आकर के अधिकारी बनाते हैं। एक शिव बाबा ही है जो आकर के राजा ही स्थापन करता है। राजा बनाता है, नर को नारायण बनाता है। और मन बुद्धि जो सरेंडर कर देगा तो उसका कुछ और रह जाएगा क्या? मन को और बुद्धि को जैसे बाप चलाए वैसे हम चलाएंगे, तो तन और धन सरेंडर होने से बच जाएगा क्या? बच ही नहीं सकता। तो ये रंग लिखा है, हमको तो मन बुद्धि से सरेंडर होना है, तन से, धन से, समय संपर्क से, संपर्क संपर्कियों और संबंधियों से सरेंडर नहीं होना है। मन बुद्धि अर्पण कर दी तो कुछ भी नहीं रह जाता। अगली बात है, क्या बाराबंकी स्थित पारिजात वृक्ष के पास किंतूर में किंतेश्वर, रामनगर में स्थित लोधेश्वर, नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ, ये ज्योतिर्लिंगम एक ही आत्मा के रूप हैं? क्या बाराबंकी का नाम क्या लिखा है? बाणहन्मा, बाणहन्या, बारह भगवान की पवित्र भूमि के नाम से पड़ा है, अर्थात बारह अवतार। इसको कुरुक्षेत्र में गौरव राज्य, गौरव राज्य क्या होता है? तथा पूर्वांचल का प्रवेश के रूप में जाना जाता था। तो बाराबंकी का कनेक्शन बाणहन्या से है? है? क्या लिखा है? कौन सा बाणहन्या? हनन करना तो मारने को कहा जाता है। पारिजात वृक्ष ही कल्प वृक्ष, जिसमें न फल होते हैं न बीज होते हैं, तथा इसकी डाल से भी दूसरा पेड़ उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इसकी शाखाएं न टूटती हैं
न सूखती है। अपने ओरिजिनल तने में ही लुप्त हो जाती है। पांच पंखड़ियों वाले फूल की सुगंधी गंगा दशहरा पर फैलती है। ऐसा हरिवंश पुराण में लिखा है। है? अब पुराण पंथी में जो कुछ लिखा है उन्हें क्लियर करने से पहले वेद पंथ को क्लियर होना पड़ेगा, गीता को क्लियर करना पड़ेगा, महाभारत और भागवत पुराण को क्लियर करना पड़ेगा, या जो नई नई शाखाएं निकली हैं वो क्लियर हो जाएंगी। पुराने थे पुराना शास्त्र कौन से हैं? है गीता। और गीता काहे से निकली है? गीता तो है शासन करने का विधान, लेकिन निकली काहे से है? शास्त्र नहीं। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, महाभारत से निकली। महाभारत पुराण भी तो है। जो भी शास्त्र हैं उनमें पुराने से पुराना है वेद, लेकिन वेदों की जो व्याख्या है वो किसी की समझ में नहीं आई। आज भी लोग ऋचाएं तो पढ़ लेते हैं लेकिन उनका तालमेल दूसरी ऋचाओं से बैठा ही नहीं पाते। ये तो ईश्वरीय ज्ञान है जिसके आधार पर वेदों का तालमेल भी एक दूसरे से बैठेगा। वो वेदवाणी ब्रह्मा के मुख से निकलती है, परंतु ब्रह्मा के मुख से निकली हुई जो वेदवाणी है वो भी जब तक गीता के रूप में नहीं गाई जाती है, जिसे गीता ज्ञान अमृत कहा जाता है, तब तक क्लियर नहीं होती। वेद ज्ञान के भंडार हैं, परंतु उनसे शासन नहीं होता, राज्य की स्थापना नहीं हुई, राजधानी स्थापन नहीं हुई। उन्हीं वेदों की जब व्याख्या होती है तो गीता निकलती है। तो गीता शास्त्र शासन करने का विधान है, उसके बाद फिर और शास्त्र निकले। महाभारत में भी मूल गीता ही है, पुराणों में महाभारत सबसे पुराना पुराण है। कहते हैं महाभारत में 1,00,000 श्लोक थे जो बढ़ते बढ़ते 4,00,000 की स्टेज में पहुंच गए, इतना विस्तार हो गया। गीता के लिए कहते हैं वो अपने मूल रूप में है। तो जितने भी पुराण निकले हैं बाद में, जैसे रामायण के लिए बोला है बाबा ने, तो बता दिया कि रामायण एक उपन्यास है। उपन्यास और फिल्म, इनके पढ़ने से ज्यादा दुर्गति हुई है। पहले रामायण इतनी नहीं पढ़ी जाती थी द्वापर में, क्योंकि संस्कृत में थी। द्वापर के मध्यांत में आते आते हिंदी में रामायण लिखी गई।
फिर कितना पतन हुआ, क्योंकि उन बातों का तालमेल नहीं बैठाया जा सका। अभी बाप आए हैं तो धीरे धीरे एक एक शास्त्र का सार मिलता जाता है, अर्थ खुलते जावेंगे। ब्राह्मणों की दुनिया में जो भी हिस्ट्री चल रही है 100 वर्ष के अंदर की, उस हिस्ट्री से तालमेल बैठेगा, टैली करेंगे वर्तमान ब्राह्मण परिस्थितियों को, तो शास्त्रों की बातें और भी क्लियर होती जाएंगी। चाहे वो देवासुर संग्राम हो, चाहे वो राम रावण का युद्ध हो, चाहे कौरव पांडवों की लड़ाई महाभारत युद्ध हो, सारे ही पात्र और सारे ही उनके बजाए हुए पार्ट सब क्लियर होंगे। अव्यक्तवाणी में तो यहां तक बोला है, अभी चेहरे तैयार हो रहे हैं, आसुरी चेहरे भी तैयार हो रहे हैं और दैवी चेहरे भी तैयार हो रहे हैं, कौरवों के चेहरे भी तैयार हो रहे हैं, पांडवों के चेहरे भी तैयार हो रहे हैं। टाइम लगेगा, हर एक शास्त्र में शास्त्र लिखने वाले ने अपनी अपनी कथा कहानी ज्यादा लिखी है। तुंडे तुंडे मतलब भिन्ना वाली बात हो जाती है। हर आत्मा सतो प्रधान की स्टेज से भी गुजरती है तो लास्ट में आके तमो प्रधान स्टेज से भी गुजरती है। जैसा जैसा जब जब जिसका जो अनुभव हुआ वैसा वैसा शास्त्रों में लिखा, वही शास्त्रकार अंतिम समय आकर के जब व्याख्या करते हैं तो उसका रूप दूसरा हो जाता है। अब हरिवंश पुराण है, उसमें हरि का वंश दिखाया गया। तो हरि के वंश में कौन कौन सी पीढ़ियां 84 जन्म में आई वो कोई बता सकता है? और शास्त्रों में तो यही क्लियर नहीं हो रहा है कि हरि हुए कब। उन्होंने तो द्वापर के अंत में हरि को दिखाई दिया, हरि कृष्ण को समझ लिया है, हर शंकर को समझ लिया है, तो उनका जो वंश दिखाएंगे वो द्वापर के अंत से लेकर कलयुग के अंत में दिखाएंगे या सतयुग त्रेता द्वापर में दिखाएंगे, कहां दिखाएंगे? वंश का तो किसी को पता ही नहीं है, ये तो बाप आकर के बताते हैं। हरि और हर, राम और कृष्ण, यही दो हीरो हीरोइन के पार्ट हैं। जो षष्ठी के आदि से लेकर के अंत तक पार्ट बजाते हैं। सारी कथा कहानियां इन्हीं में पिरोई हुई है। हाँ।
शक्तिपीठ का हद और बेहद में क्या अर्थ होता है और इसकी स्थापना कैसे होती है? ये तो नाम रख दिया है शक्ति और शक्ति की पीठ, पीठ माने बैकबोन। शिव और पार्वती, इनमें शक्ति कौन है? शिव तो आत्मा है, आत्मा परमधामवासी है, परमधामवासी आत्मा जड़ है या चैतन्य है? जड़ है। पांच तत्वों की दुनिया में जब आती है तो चैतन्य बन जाती है। चैतन्य का आधार लेना पड़ता है, तो जिस चैतन्य का आधार लेना पड़ता है उसे शक्ति कहा। उसे शक्ति की बैकबोन कौन हुआ? जैसे अव्यक्तवाणी में बोला, घबराओ मत, बैकबोन बाप दादा। अपने टाइम पर तुम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो ही जावेंगे। तो बाप दादा किसका बैकबोन हुआ? है बच्चे हैं, शक्ति है, शक्तिवान की शक्ति है, शक्तिवान ही रचयिता है। जो रचयिता है वो ही बैकबोन है। शिव आते हैं तो बैकबोन तैयार होती है। प्रकृति और पुरुष, ये दो का संयोग होता है तब सृष्टि रची जाती है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि पुरुष रूप आत्मा अपने में निष्क्रिय है, जब प्रकृति के संयोग में आती है अर्थात आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। ये प्रकृति का पांच तत्वों का पुतला है शरीर, जिसको शक्ति कहा है, जिसका आधार लेता है आत्मा। तब शिव और शक्ति के द्वारा प्रकृति का संचालन और सृष्टि का संचालन होता है। पूछा है मंत्रोच्चारण और मंत्र में कितनी और कैसी शक्ति होती है? मंत्र मुख से उच्चारण किया जाता है, मुख से जो चीज उच्चारण की जाती है उसमें ज्यादा शक्ति है, या मन के अंदर जो घूमता है संकल्प, उस संकल्प में ज्यादा शक्ति है? संकल्प में ज्यादा शक्ति है। ये उच्चारण आदि करना, आवाज करना, ये भक्ति मार्ग की चीज है। ये उच्चारण करते करते दुनिया नीचे गिरती चली आई, दुनिया का उत्थान नहीं हुआ है आवाज में आने से। जब आत्मा आवाज से परे जाती है तब दुनिया ऊपर उठती है। ये आवाज से परे ले जाने का काम बाप ही आकर के करते हैं।
मंत्र उच्चारण में शक्ति नहीं होती है, भक्ति में शक्ति नहीं होती है, सारी शक्ति ज्ञान की है। ज्ञान को ही बल कहा जाता है और ज्ञान एक बाप से आता है। मंत्रों का उच्चारण तो अनेक ऋषियों मुनियों के द्वारा हुआ, वो अनेकों की कृति है, ये एकाग्र होना तो बाप ही आकर के सिखाते हैं। विश्वकर्मा के दिन लोहे की पूजा क्यों करते हैं? विश्वकर्मा का काम क्या है? क्या काम दिखाया है? निर्माण करना। ये निर्माण आदि किस चीज का होता है? किसका निर्माण करते हैं? मकान आदि का निर्माण करते हैं। ये मकान आदि कौन से युग में बनाए जाते हैं ज्यादा? द्वापर में ज्यादा मकान बनाए जाते हैं? नहीं, कलयुग में ज्यादा मकान बनाए जाते हैं। तो कलयुग लोहे की दुनिया है, इसलिए विश्वकर्मा का जो दिन होता है उसमें लोहे की पूजा करते हैं। आज दुनिया में जितने भी मकानात बने हुए हैं उसमें कौन सी धातु ज्यादा प्रयोग होती है जिससे सारे मकान भूकंप में भी अडिग बने रहते हैं? लोहा। और 17 तारीख ही क्यों फिक्स होती है? है? विश्वकर्मा की पूजा के लिए 17 तारीख ही क्यों फिक्स होती है? अठारह को शरीर छोड़ा तो 18 फिक्स होना चाहिए। है? प्लानिंग एक दिन पहले हो गई। क्यों? विश्वकर्मा का जन्म पहले हो गया या ब्रह्मा पहले हो गया? विश्वकर्मा को 17 तारीख इसलिए निश्चित है कि एक के ऊपर 7 रखे जाते हैं तब बनता है 17। एक है कौन? अलफ। एक है अलफ, शिव नहीं, शिव तो बिंदु है। एक है अलफ जो फर्स्ट दिखाया गया नर से नारायण, उस नर से नारायण में राम कृष्ण दोनों ही आत्माएं समाई हुई होती हैं। बाकी कितने नारायण रहे? और धर्मों से कनेक्टेड हैं और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो 7 नारायण भी जब ऐड हो जाएं एक के साथ, लेकिन जो एक काम करता है वो 7 काम नहीं कर पाते। तो 7 एक और एक एक और, ये दोनों मिलकर के 17 तारीख बनती है। इसलिए 17 तारीख को विश्वकर्मा कहा जाता है। सारे विश्व का निर्माण कब होता है? अंत में या आदि में? कब कब होता है? चारों युग नहीं, हाँ संगम में। जब चारों युग की पूर्ति हो
अंत हो तब विश्वकर्मा का कार्य संपन्न हो। इसलिए सत्र दिखाए गए हैं। भगवत गीता में 18 अध्याय होते हैं। उसमें भगवत गीता महात्म्य किस बात की निशानी है? महात्मा ने महत्व, गीता के महत्व की ही निशानी है महात्म्य। हाँ बोलो। जो लास्ट जन्म में जो श्रेष्ठ आत्मा है वो सब ब्राह्मण कुल से ही है, जैसे राम वाली आत्मा, जगदम्बा माँ, छोटी माँ, तो सूर्य वंशों की माँ है, वो भी क्या ब्राह्मण कुल से ही है क्या? क्यों? जो ब्रह्मा के 5 मुख हैं, 4 मुख हैं, वो सबसे ऊंचे हैं। अष्टदेवों से भी पहले कौन है? अष्टदेव पहले हैं या त्रिदेव पहले हैं? त्रिदेव तो बहुत पहले हैं। प्रत्यक्षता भी जब होती है तो पहले 3 देवों की प्रत्यक्षता होती है कि अष्टदेवों की प्रत्यक्षता होती है? त्रिदेव की प्रत्यक्षता होती है। तो जो त्रिदेव हैं उसमें 5 आत्माएं अपना कार्य करती हैं, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु की 4 भुजाएं हैं, 4 आत्माओं के रूप में कार्य करने वाली, और 5वीं है उनको चलाने वाली। तो जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले, ऊंचे से ऊंचे पार्टधारी हैं, वो 5ों ही पार्टधारी ब्राह्मण कुल के हैं आखिरी जन्म में भी। बाकी अष्टदेवों की बात नहीं है, अष्टदेव तो बाद की बात है। हैं तो वो सूर्यवंशी, किस वंश के हैं? सूर्य के वंश के। त्रिदेव में सब सूर्यवंशी नहीं है, त्रिदेव में एक सूर्य है और दूसरा चंद्रमा है, फिर सितारे भी हैं। लेकिन जो सूर्यवंश है वो सूर्य से निकलता है, किसी सितारे से की रचना नहीं होती है, चंद्रमा से उनकी रचना नहीं होती है, वो है ही नहीं चंद्रवंशी, वो सूर्य के वंशी हैं। परंतु एकदम आदि के नहीं है। जब शिव बाप आते हैं आदि में तो 3 मूर्तियों के साथ आते हैं, अकेले नहीं आते। तो 3ों ही मूर्तियां श्रेष्ठ हैं संसार के लिए, इसलिए उनकी तुलना अष्टदेवों से नहीं की जा सकती। और अष्टदेवों में भी पहला तो त्रिमूर्ति के अंदर है ही, सूर्य है तो सूर्यवंशी है, 8 हैं बाद में। और एक गलती की सजा ब्राह्मणों की दुनिया में 100 गुनी मिलती है, तो कितनी देर तक ध्यान में बैठे? जो 100 गुना बोझ उतर जाए,
ब्राह्मणों की दुनिया में एक गलती की 100 गुना सजा मिलती है, तो उस 100 गुना सजा को उतारने के लिए कितनी देर ध्यान में बैठे याद में बैठे तो सजा उतर जाए, 100 गुना बोझ कम हो जाए, बताओ। अभी की हमारी याद परिपक्व याद है या हिलती डुलती याद है? हिलती डुलती याद है। जो हिलती डुलती याद है वो याद ही परिपक्व नहीं है। अगर याद परिपक्व हो जाए तो कोई गलती का होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अंतिम स्टेज में प्रैक्टिस करते करते जब हम पहुंचेंगे तो हमारी याद की स्टेज परिपक्व हो जाएगी, और उस समय हम थोड़ा भी जो याद करेंगे उसमें हमारे अनेक जन्मों के पाप भस्म हो जाएंगे। पाप भस्म होते ही है तब जब अग्नि तेज होती है। अभी हमारी योग की अग्नि तीव्र है या बार बार माया बुझाती रहती है? तो अभी की योग अग्नि की शक्ति से हमारे पाप भस्म होने वाले नहीं है। अभी तो पापों का बोझा दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है, कब तक बढ़ेगा? जब तक हमारी कर्मातीत अवस्था ना आ जाए। कर्मातीत अवस्था होने के बाद हमारी याद की ऐसी तीव्र स्टेज होगी कि 100 गुना बोझा जो अभी चढ़ रहा है वो सारा उतरता चला जाएगा। हर बात में बेहद का मतलब, कोई भी ज्ञान की बात मैं सुनती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन उसी हिसाब से किसी को मैं सुना नहीं पाती हूँ। तो इसका बेहद का मतलब क्या है, है? क्या हुआ बेहद का मतलब है? कि सुनता तो है, सुनने के बाद समझ भी लेता है, लेकिन दूसरों को सुना नहीं सकता और दूसरों को समझा नहीं सकता। माने सेवा नहीं कर सकता। तो जब सेवा नहीं कर सकता तो ऊंचा पद पा सकता है, है? नहीं पा सकता। यही इसका बेहद का अर्थ लगेगा। बेहद में इसका ये रिजल्ट निकला। बाबा मुझे सजा से बहुत डर लगता है। मैं चाहती हूँ कि कदम से कदम मिलाकर चलूं, लेकिन मुझे कोई सजा न मिले तो अब क्या होगा बाबा? है क्या होगा? है हाँ, झगड़ा हो जाता है, हैं? हाँ, साइकिल पर चढ़ने वाला, साइकिल सीखने वाला,
साइकिल सीखता है, बार बार गिर जाता है तो क्या छोड़ देता है? हैं? नहीं छोड़ देता। वो तब तक चलता रहता है, सीखता रहता है जब तक पूरा सीख न जाए। तो ऐसे ही दृढ़ता चाहिए। हम बार बार कदम से कदम मिलाने की कोशिश करते हैं, बार बार माया हमको डिगाए देती है, तो हम भी दृढ़ हो जाएं कि जब तक हम ऐसी स्टेज प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक हम अपना प्रयास, अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ेंगे। और बाबा, यदि यज्ञ में कोई खाने पीने की चीज देता है और फिर वापस मांग लेता है, और डांटता भी है, देता है तो किस लिए देता होगा? है कि हमारा एहसान मंद बने, हमारा एहसान माने, ओब्लाइज करे। लेकिन जिसको देता है वो ना एहसान मानता है, ना मान सम्मान देता है, तो फिर वो उससे वापस ले लेता है। ऐसी बात, वापस ले लेता है और डांटता भी है। तो ऐसों का क्या होगा? अरे क्या बाबा ने मुरली में नहीं बताया? हैं? हाँ, चंडाल बनेगा। यहां डांटता है तो वहां डांट जन्म जन्मांतर खानी पड़ेगी। इसलिए परवाह नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हिसाब यह है कि जो देता है वो किसी व्यक्ति को देता है, व्यक्ति को देना चाहिए या शिव बाबा के भंडारे में देना चाहिए, यज्ञ में देना चाहिए? देने वाले को यज्ञ में स्वाहा करना चाहिए या व्यक्ति से एहसान लेने के लिए करना चाहिए? व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। व्यक्ति से हमारा लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना किससे है? एक बाबा से, वो ही यज्ञ पिता है। अगर इस भाव से दिया जाएगा तो वापस लेने की बात ही नहीं आती। फिर तो जो दिया वो यज्ञ में स्वाहा हो गया, तो स्वाहा हुई चीज फिर वापस नहीं आ सकती। दे करके फिर वापस लेना, ये तो डिसरिगार्ड की बात हो गई। और ओम जगन्नाथपुरी में तीन रथ निकलते हैं। जगन्नाथपुरी में हाँ तीन रथ होते हैं ना, वो निकलते हैं। हाँ तो पहला तो जगन्नाथ का, हाँ वो भी अष्टदेव का मड़का है। हाँ दूसरा कुबेर, वो भी अष्टदेव का। दूसरा कुबेर का रथ, हाँ ठीक है। और जो तीसरा जो निकलता है, हाँ वो भी अष्टदेव में। कहाँ है अष्टदेव में? काल वो बलभद्र बलभद्र, हाँ वो बलभद्र। तीसरा मणका कहाँ है अष्टदेवों का? थर्ड क्लास को कैसे तीसरा मणका कहेंगे? वो तो छत्र छाया मुआफिक काम करने वाला है ना।
राम की राजगद्दी में छत्र लेकर किसको दिखाया है? लक्ष्मण को दिखाया है। लक्ष्मण वाली आत्मा कौन से धर्म का बीज है? बौद्ध धर्म का बीज है। और तो जो छत्र दिखाएगा, छत्र छाया में रखेगा, छाया में रखने की सेवा करेगा, वो दास दासी हुआ या राजा हुआ? तो दास दासी की लिस्ट में आ गया। अष्टदेव दास दासी की लिस्ट में होंगे बस। और दो दांत कहाँ है? एक टूटा हुआ दांत है, एक दांत बाहर दिखाया गया। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, ऐसे गायन है। एक दांत तो आधा टूटा हुआ दिखाते हैं। टूटा हुआ है, एक दांत है उनका पूरा है। तो टूटा हुआ है, हाँ टूटा हुआ है तो थोड़ा बहुत दिखाया जाएगा ना, है खंडित तो है। हाँ बाबा, जब सागर का मंथन हुआ, इट मीन्स यहाँ ज्ञान सागर का मंथन हो रहा है, तो इसमें से जैसे 14 रत्न निकले हैं, तो चार पांच का तो नाम पता है, जो इसके बाद का जो नहीं नाम पता है, जो मैं बोल रहा हूँ उसकी वो वाला बात। तो मंथन करके निकालो। पांच सात को तो निकाला, जैसे लक्ष्मी निकला है, जैसे वृक्ष निकला, अमृत निकला, हाथी निकला, घोड़ा निकला, लक्ष्मी निकली है, इसके बाद वाला कौन कौन है बताया? उनको मंथन करो बाबा। मैंने इतना तक मंथन कर दिया, किसी को बताना होता है कि जैसे ज्ञान सागर का मंथन चल रहा है? ज्ञान सागर का मंथन चल रहा है। अरे सागर का मंथन करते कौन है? सागर करता है या देव और दानव करते हैं? है देव और दानव करते हैं। देव पूंछ पकड़ के चलते हैं, फॉलो करते हैं। शिव बाबा जैसे आपने कहा हम वैसे ही चलेंगे, हम मीन में कुछ नहीं निकालेंगे। देवता क्या करते हैं? जैसे बाप ने बोला वैसे चलेंगे। जो भक्ति मार्ग में यादगार है, क्या गुरुजी ने जैसा कहा, सत्यवचन महाराज ठीक है, दया निधान सत्य है, दया निधान, तो भगत अच्छा माना जाता है। यहां भगत की बात नहीं है, यहां काय की बात है? यहां बच्चे की बात है। बाप ने कही और बच्चे ने मानी, कोई मीन मेख नहीं, तो उसको कहेंगे पूंछ पकड़ने वाला, फॉलो करने वाला। और जो राक्षस होते हैं वो क्या करते हैं? वो मुख पकड़ते हैं, वो मुख पकड़ते हैं। माना मुख पकड़ने का मतलब क्या? कोई बात बोली, ए तुमने क्या बोला, ए मुरली मैं ऐसा बोला, इसका क्या मतलब है, ये ऐसे हुआ, तो ये हो गया मुख पकड़ना। अब जो मुख पकड़ते हैं उनको जवाब तो दिया जाएगा कि नहीं? सांप का अगर मुख पकड़ा जाए, सांप का मुख पकड़ा जाए तो फुफकार मारेगा, काटेगा या नहीं काटेगा, विष उगलेगा या नहीं उगलेगा? उगलेगा, तो वो ज्वाला निकलती है, उस ज्वाला से वो जलते रहते हैं। कितना अभी मुंह पकड़े, जितनी बार मुंह पकड़ेंगे उतनी बार उनको जवाब मिलेगा। और कड़क जवाब मिलता है या प्यारा जवाब मिलता है? कड़क जवाब मिलता है। तो जब कड़क जवाब मिलता है तो दिल जलेगा या प्यार करेगा? जलेगा। तो मुख में से ज्वाला दिखाई गई है सागर मंथन में, वो ज्वाला से वो आहत होते रहते हैं, घायल होते रहते हैं, ऐसे दिखा है। और भक्ति काल में जब श्राद्ध होते हैं, श्राद्ध, तो श्राद्ध के दिन गौओं को पहले देते हैं,
बात हुई, ऐसा क्यों? ब्राह्मणों की संगम युग की दुनिया में कौओं का पार्ट किसका है? कौन से धर्म वालों का है? हैं? कौन? आर्य समाज। बहुत काऊ 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 करते हैं, लेकिन सिवाय गंध खाने और गंध खिलाने के दूसरा कोई धंधा उनका रिजल्ट में नहीं आता है। गंध को बढ़ाने वाले हैं, खाने वाले हैं या खत्म करने वाले हैं? बढ़ाने वाले हैं। 5-स्टार होटलों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है। और उन 5-स्टार होटलों में बड़े बड़े आदमी ज्यादा गंध करते हैं या छोटे छोटे? बड़े बड़े आदमी ज्यादा गंध करते हैं। तो उनका धंधा ही है कौओं का, गंध खाना और काव काव करके सबको गंध खिलाना। अब समझ में आ गया क्या है? अरे प्रश्न क्या था कि आपने किया था? हाँ, जब श्राद्ध करेंगे तो श्रद्धा पूर्वक पहले पहले किसको खिलाएंगे? है कौओं को खिलाएंगे। ये भक्तों का काम बताया। भक्त भगवान को जल्दी नहीं पहचान पाते, नीचे से सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे या एकदम ऊपर की सीढ़ी पहुंच जाएंगे? नीचे से ऊपर को चढ़ते हैं। बाबा मुरली में बाबा बोलते हैं कि हर आत्मा अपनी अपनी कहानी बैग आपसे ही लिखती है। हाँ, शास्त्रों में ये सिर्फ शास्त्रों के रूप में लिखती है। हाँ, शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानी बैग अपने आप लिखी है। जैसे बाबा कुछ जैसे लेखक होते हैं, हाँ, वो भी ऐसे संबंधित से कहानी बातें लिख देते हैं। जैसे बाबा कालिदास ने शकुंतला दुष्यंत की कहानी लिखी है। हाँ, तो उसमें जो नायक है दुष्यंत, वो किसका पार्ट होगा? है? अरे दुष्ट माने दोष, अंत माने अंत, दोषों का अंत करने वाला जो पार्ट है वो किसका पार्ट होगा? है? अरे कालिदास की बात हो रही है यहाँ पर, रामायण की बात नहीं हो रही है। कालिदास ने जो शाकुंतल रेखा है, हाँ, ब्रह्मा बाबा ने दोषों का अंत किया? अरे यादव जी महाराज है। अरे माँ काली जब जीप लपलपाती हुई आगे बढ़ती है तो पांव के नीचे कौन लेट जाता है? तो किसका दास हुआ? काली का दास हो गया। और तो बाबा ऐसे की आत्माओं के पास तो समझा जा सकता है? क्यों नहीं समझा जा सकता है? बाबा ने तो इशारा दे दिया। रामायण किसने लिखी? अरे रामायण में हीरो पाटधारी कौन है? राम वाली आदमी। हर एक धर्म ग्रंथ में जो लिखने वाला लेखक है उसने अपनी प्रशंसा की है या दूसरों की प्रशंसा करेगा? अपनी अपनी प्रशंसा अपने मुंह से कर दी है। इस राज को बाप आकर बताते हैं। और बाबा एक बात बता दो, बाइबल कितने? जो बाई जी के बल पे चलते हैं वो ही बाइबल लिखेंगे। तुम्हें पता नहीं है कि रावण किसकी पूजा करता था? जो देवी की पुजारी हैं वो कौन से संप्रदाय हैं? रावण संप्रदाय है। तो जो रावण संप्रदाय हैं उन रावण संप्रदायों में सबसे ज्यादा अत्याचारी कौन हुए हैं? है? है? इस्लामी हुए हैं। इस्लामियों ने नहीं इतने अत्याचार किए हैं। अरे क्रिश्चियंस ने बहुत अत्याचार किए हैं। मार्कर तो इस्लामियों ने ज्यादा किए हैं।
मारकाट तो इस्लामियों ने ज्यादा की है। हाँ की है, लेकिन अत्याचार अतिआचार। मारकाट तो जब से द्वापर शुरू हुआ तब से ही होती चली आ रही है। और बाबा जैसे मुरली में ऐसे बोलते हैं बाबा कि अब तो तुम्हें एक बात मिल गया तो तुम एक बात को क्यों नहीं याद करते? हाँ? अगर अनेकों को याद करोगे तो बाप तुमसे नाराज हो जाएंगे। हाँ? मुरली में ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो बाबा जैसे अभी तो हमारी याद व्याधि जारी है। हाँ? अभी तो हमारी याद व्याधि जारी तो 100% नहीं हुई बाबा। अभी बिचारी नहीं हुई, अभी बिचारी 100% नहीं हुई। 100% अभी बिचारी नहीं है। तो बाबा ये सर्वव्यापी की शूटिंग हो रही है, मतलब सभी संबंधी भी आ जाते हैं। अगर सबसे ज्यादा याद किसकी आती है जीवन में? अरे जीवन में, सामान्य जीवन में, लौकिक जीवन में सबसे ज्यादा याद किसकी आती है? पुरुषों को किसकी याद ज्यादा आती है? स्त्री की ज्यादा। और स्त्रियों को किसकी ज्यादा याद आती है? पतियों की ज्यादा याद आती है। कन्याओं को किसकी ज्यादा याद आती है? हैं? माँ बाप की नहीं, उनको भी होने वाले पति की ज्यादा याद आती है। तो 63 जन्मों में जिनको ज्यादा याद किया है पति परमेश्वर हुए हैं। वो अपना हिसाब किताब पूरा करेंगे कि नहीं? कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रही है? तो गलत बात है क्या? है उनसे हिसाब किताब जोड़ा किसने? हमने खुद जोड़ा या कोई दूसरे की गलती है? हमने खुद जोड़ा। तो याद भी संगम युग में विभिचारी आएगी या एक शिव बाबा की याद आएगी? किसकी याद आएगी? व्यभिचारी याद आएगी। अब जिसकी याद आती है उससे प्यार तो होता ही होता है। जिसकी याद आएगी, प्यार करने वाला जो है वो उसके नजदीक जाना चाहेगा या दूर भागना चाहेगा? न चाहते हुए भी ऑटोमेटिक नजदीक जाना चाहेगा या दूर भागेगा? है ऑटोमेटिक नजदीक जाना चाहता है। तो शिव बाबा से दूर हो जाएगा या नजदीक जाएगा? शिव बाबा से दूर हो जाएगा। और इनको आगे वालों को समझ में नहीं आ रहा है, लंबे कान करके सुनो। गुरु नानक देव की जयंती आती गुरु उसको लेके जाते हैं, गुरु ग्रंथ साहब गुरु ग्रंथ को सर पे लग करके जाते हैं, कपड़े में लपेट के लेके जाते हैं उसका। कपड़े में लपेट के लेके जाते हैं ना गुरु ग्रंथ साहब को। हाँ, भागवत गीता को भी हिंदू धर्म में लेके जाते हैं। हाँ, गली गली में घुमाते हैं, बाजे गाते हैं। ठीक है, इसका मतलब बेहद में हमारे यहाँ क्या मतलब? अरे ट्रक बाबा ने बोला ट्रक में रख करके शास्त्रों को परिक्रमा दिलाते हैं। संगम युग में हमारे शास्त्र कौन से हैं? मुरली। जो मुरली का ज्ञान, जो भी मुरली का ज्ञान शिव बाबा से आता है वो कौन से ट्रक में रखा जाता है? कोई ट्रक प्रसिद्ध है? अरे कोई ट्रक प्रसिद्ध है? ट्रक है कि कार है? अरे है क्या है? हाँ, शरीर रूपी रथ है ना, उसका नाम ट्रक दे दिया। तो वो प्रैक्टिकल में पार्ट चलता है तभी तो ट्रक में रख करके शास्त्रों को घुमाते हैं। ये प्रैक्टिकल में पार्ट चलता है, वो पार्ट जो ट्रक का पार्ट बजाता है वो चारों तरफ घूम घूम कर परिक्रमा लगाता है। उसकी यादगार में भक्ति मार्ग में जो भक्त हैं
वो ट्रक में शास्त्रों का ज्ञान रख करके परिक्रमा लगाते हैं। और डीवीडी में भी, डीवीडी होते हैं उसमें भी ट्रैक होते हैं अलग अलग, हाँ गुली घूमती है, अलग अलग ट्रकों में ट्रैक घुमाओ, एक ट्रक नहीं अच्छा लगता है तो अलग अलग ट्रैकों में चलो। हाँ ओम शांति।